आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने नगर निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी चंदन भट्ट उत्तराखंडी के समर्थन में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां धर्मों पर चुनाव लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे महापौर प्रत्याशी चंदन भट्ट उत्तराखंडी ने जो भी घोषणाएं की हैं उसको 10 दिन में पूर्ण कराया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से 50,000 सफाई कर्मियों की भर्ती 10 दिन में की जाएगी, ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी और सारी भर्ती निगम में सीधे की जाएगी। मुरादाबाद महापौर के लिए चंदन भट्ट एडवोकेट को भी हमने प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद वह मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आसपास के जिलों में भी हमने जनसंपर्क किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस दौरान संजय सिंह ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नगर निकाय का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। अभी मैंने देखा योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि तीसरा इंजन भी हम ही को दे दीजिए। तो पहला इंजन जो नरेंद्र मोदी जी का है वो तो अडानी के लिए काम करता है, दूसरे इंजन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमने कोरोना की महामारी के दौरान यहाँ पर कुव्यवस्था देखी, 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, नगर निगम भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं, तो दूसरा इंजन भी फेल है। अब उत्तर प्रदेश को नया इंजन चाहिए आम आदमी पार्टी के रूप में, और इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया, ये शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। मुरादाबाद से हमारे अजय भट्ट जी कैंडिडेट हैं, जो एडवोकेट हैं और बहुत ही इनका सम्मान है लोगों के बीच में, इनका इनके समाज का भी बहुत अच्छा खासा वोट है, तो मैं समझता हूँ कि इनको अच्छा जन समर्थन मिलेगा मुरादाबाद से। और यहाँ जो और दूसरे भी पार्षद के हमारे प्रत्याशी हैं उनको भी अच्छा मत मिलेगा मुरादाबाद के चुनाव में। कल कई जगहों पे बिजनौर में, अमरोहा में और मुरादाबाद में, संभल में कई जगहों पे कल सभाएं हुई, जिसमें भारी जनसंख्या, भारी संख्या में लोग आए और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस बार के चुनाव परिणाम अच्छे आने चाहिए आम आदमी पार्टी। सर, मुरादाबाद में ये देखने में आ रहा पिछले कुछ दिन से तमाम इलाके हैं जहां लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, कोई कह रहा सड़कें नहीं बनी, कोई कह रहा कुत्तों से निजात नहीं दिला पा रहे हैं आवारा कुत्तों से, तमाम तरीके की चीज़ें जिसकी वजह से लाखों लोग, एक दो नहीं लाखों लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं तो यही सारी चीज़ें हैं। आप बजट आप देखिए, नगर निगम का अच्छा खासा पैसा आता है, हाउस टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, वाटर टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, सड़कों के निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, यानी कि भूत कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं ही नहीं और उनके नाम पे पैसा निकल रहा है। तो ये मैं सफाई कर्मी भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को आप जिताइए और निश्चित रूप से उनको परमानेंट करने की व्यवस्था, उनकी तनख्वाह 18,000 रुपये जो टेम्प्रोरी लोग हैं उनको करने की व्यवस्था, ये सारा कुछ हम लोग करेंगे। आज भ्रष्टाचार के कारण ही नगर निगम की हालत खराब है और नगरीय क्षेत्र बर्बाद हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसीलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि हमारे काम को भी देखिए, हमारे काम को भी चेक कीजिए। दिल्ली में हमने 3 बार सरकार बनाई तो एजुकेशन, हेल्थ, बिजली पानी पर काम किया। पंजाब में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, MCD में अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये तो सबसे छोटी इकाई है, मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि इसमें हमारा सपोर्ट कीजिए। सर, दिल्ली में आपको जनता ने मौका दिया, पंजाब में भी मौका दिया, लेकिन यूपी में वो रिस्पांस आप लोगों को पिछले काफ़ी साल से यूपी में है, लेकिन 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात जैसे राज्य में हमें 14% वोट मिला, 5 विधायक मिले, 2 विधायक हमारे गोवा में आए, 6.5% वोट मिले। तो आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश जाति और धर्म के जाल में फंसा हुआ प्रदेश है, हम सारे लोग जानते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो उस जाति धर्म के जंजाल से निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सांप्रदायिकता की राजनीति से, नफरत की राजनीति से, बांटने की राजनीति से हमको क्या हासिल हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है। क्या बीजेपी ने जो वादा इस देश के लोगों से किया वो पूरा किया? क्या 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल रही हैं? क्या 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया?
क्या काला धन आ गया, 15 लाख सबके खाते में आ गए? क्या किसानों के फसल के दाम दोगुने हो गए? 1150 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, कैंसर किडनी से लेकर सारी दवाएं महंगी हो गई। तो लोगों की ज़िंदगी की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। नरेंद्र मोदी जी सारा कुछ अपने गुजरात के दोस्त अडानी के नाम करते जा रहे हैं, हवाई जहाज़ अडानी का, कोयला अडानी का, समुद्र अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, तो आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ एक व्यक्ति के नाम करते जा रहे हैं। भारत की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने का प्रावधान मोदी सरकार ने बनाया है। रेल हो, सेल हो, कोल इंडिया हो, LIC हो, बैंक हो, सब बेच रहे हैं। तो ये तो खुली आंखों से इस देश की जनता को देखना चाहिए कि हमको धार्मिक उन्माद में फंसाकर, हमको हिंदू मुसलमान में फंसाकर, दरअसल ये लोग हमारा जेब काटने का काम कर रहे हैं। ये तो राम के भी नहीं है, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा चोरी करते हैं ये लोग। तो जो राम के नहीं हुए वो आम के कैसे होंगे? तो मैं BJP वालों के बारे में कहना चाहता हूँ, ना ये राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। अच्छा, इसलिए इनके ऊपर झाड़ू चलनी चाहिए। सर, चुनाव से हटके एक छोटा सा सवाल है, बृजभूषण सिंह को लेकर बड़ा बवाल मचा पड़ा पूरे देश में तमाम। अब ये देखिए, बहुत दुखद पक्ष है, देश के प्रधानमंत्री इन्हीं बेटियों के साथ तस्वीर खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं अपना, और कहते हैं विनेश बेटा तुम मेरे घर की परिवार की हो, निराश मत होया करो, हार मत माना करो। और पिछले 7-8 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, ओलंपियन वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पे उनकी FIR लिखी गई। तो अब उनको इस बात का डर है कि न्याय हमको कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को इस मामले में सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि आज अगर उनके परिवार की एक बेटी, जिसको वो कहते हैं मेरे परिवार की बेटी है, अगर वो बैठी हुई है धरने पर, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, और करेगी तो अब तक क्यों नहीं की? ये सारे सवाल हैं। सर, क्या लगता है, क्या सरकार बृजभूषण सिंह के दबाव में है या क्या है उनके रसूख के आगे झुक रही है? इसमें बताने की कोई जरूरत है क्या? खुली आंखों से दिख रहा है कि दबाव में है? खुली आंखों से दिख रहा है। आपके खिलाफ कोई पर्चा दे दे, कोई एप्लीकेशन दे दे, तो तुरंत FIR हो जाएगी। किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी अपोजिशन के नेता के खिलाफ कोई सामान्य सा एप्लीकेशन दे दे, तो तुरंत FIR भी हो जाएगी और गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो ये तो खुली आंखों से दिख रहा है कि सरकार दबाव में है, पुलिस दबाव में है। सर, ये कहा जा रहा है अगर बृजभूषण को अरेस्ट करती है सरकार, करवाती है उसको, पुलिस अरेस्ट करती है, तो जो पूर्वांचल का और गोंडा के आसपास का इलाका है वहाँ पर सरकार कमजोर पड़ेगी। तो ये नफा नुकसान पे अगर कुछ BJP वालों के मन में है तो उनको सामने आके बोलना चाहिए कि भैया हमारा ये राजनीतिक नुकसान हो रहा है, इसलिए हम साथ नहीं दे सकते। बोलना चाहिए मोदी जी को आके कि हम अपने राजनीतिक फायदे नुकसान को पहले देखेंगे, न्याय अन्याय को बाद में देखेंगे। ये बात उनको बोलनी चाहिए। ठीक।